डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बार पूछा गया सवाल, उसका जवाब देना चाहता हूँ। बहुत बार बोला जाता है कि सेक्टर 34 के बारे में आप वीडियो बनाते हो, 34 सेक्टर में ही क्यों पैसे लगाने चाहिए। मेरा ऐसा कोई ना जवाब है, ना सवाल है और ना सुझाव है। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग रिठाला मेट्रो से ये जो एरिया है, बात कर रहा हूँ अभी 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 6-7 सेक्टर्स हैं जो न्यू डेवलपिंग सेक्टर्स हैं। और ये सेक्टर रिठाला से तो तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर के दायरे में है और इन सभी सेक्टरों से मेट्रो होती हुई निकलेगी। मेरे दोस्तों, मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 36 और 37, मधुबन चौक से रिठाला, रिठाला से सीधे सेक्टर 24-25 और उसके बाद 36-37 आता है, तो ये कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली बेटर है। और यहाँ पे जो प्रीमियम आज की डेट में है, मैं बात करना चाहूँगा कि तकरीबन अच्छी पॉकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ 60 मीटर का प्लॉट सेक्टर 36 में 1,40,00,000 रुपये के करीब है। और मैं बात करूँ सेक्टर 37 तो यहाँ पर 1,30,000-1,35,000 के करीब है। 32 मीटर की बात करूँ तो दोनों ही सेक्टर में, सेक्टर 36 और 37 जो अच्छी पॉकेट हम बोलते हैं, वहाँ पर रेट तकरीबन आज 60 से 65-70 लाख रुपए के बीच में है। और मेरे दोस्तों, मेट्रो यहाँ से भी गुजरेगी और DDA के फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। इसके साथ में अब बात करना चाहता हूँ मैं सेक्टर 34 और 35 की, और सेक्टर 30 और 29 का कुछ पार्ट जो अभी अलॉटमेंट हुआ था पीछे 3-4 साल पहले। तो यहाँ का रेट आज 32 मीटर का 45 लाख रुपए के करीब है, 45 से 50 लाख रुपए। और 60 मीटर का जो प्लॉट है वो तकरीबन 80-82 से लेके 1 करोड़ रुपए तक का रेट है। अब मेरा सुझाव ये है कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं UER2 जो अलीपुर से लेके और एयरपोर्ट तक जाएगी और GT रोड से कनेक्ट करेगा अलीपुर, अलीपुर से UER2 कनेक्ट होते हुए ये आपका बवाना सेक्टर 34, 35, 36, 37, 38 इन सभी से होती हुई द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके एयरपोर्ट पर निकलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि सेक्टर 34, 35, 36, 37, 38 ये आने वाले जब हम बात करेंगे 4-5 साल में सभी बराबर रेट हो जाएगा। दूसरा ये कि जो 34 और 35 की बात करूँ, आज 45 लाख रुपये से लेकर और 45 लाख रुपये 32 मीटर कम से कम, और 60 मीटर का प्लॉट तकरीबन 85-90 लाख रुपए के करीब है। और 36 और 37 की बात करूं तो तकरीबन यहाँ की जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो रफली 20% 20 से 25% यहाँ के रेट ज़्यादा हैं, और 20 से 30% मैं कहना चाहूँगा कि 20 से 30% के करीब 36 और 37 में प्रॉपर्टी जो अच्छी पॉकेट्स हैं उसमें है। अब आज जब हम कंपेयर कर रहे हैं और बात करेंगे 5 साल बाद, तो मुझे जो अपना एक व्यक्तिगत विचार है, 34-35 सेक्टर वगैरह भी बराबर रेट में आ जाएंगे जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। सेक्टर 34 और 35 के सामने बवाना है तो आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ में 60 मीटर का जो प्लॉट आज मोटे तौर पे 1 करोड़ रुपये के करीब चल रहा है, वो 1.5 करोड़ रुपये के करीब होने की उम्मीद है 3 साल की मैं बात करूँ। और 32 मीटर का जो आज 45-47 लाख रुपये से लेके 50 लाख है, ये 65-70 लाख रुपए की होने की उम्मीद है 3 साल में, मेरे दोस्तों। और इसके साथ में आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्ट आप करना चाहते हो, कम से कम 2 या 3 साल का पीरियड लेके चलो, और 5 साल का पीरियड आप लेके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए है कि जो सारी फैसिलिटीज़ UER2 कनेक्टिविटी, सेकेंड मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम रिठाला टू सेक्टर 36 और 34-35 और बवाना से होती हुई नरेला जाएगी, ये सब कुछ बन चुका होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं इस वजह से सेक्टर 34-35 अच्छा है कि आज वहां पर रेट तकरीबन 20 से 30% डाउन है, और ये 20 से 30% जब हम बात करेंगे 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि हर सेक्टर में रेट ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। इस वजह से मैं एडवाइज़ करता हूँ कि सेक्टर 34 में आप प्लॉट लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और रही बात दूसरी की, जो अगर बेचना चाहते हैं और आपके पैसे कहीं और काम आ रहे हैं, आपके बच्चे के एजुकेशन में काम आ रहे हैं, या आप मकान छोटे से बड़ा करना चाहते हैं, या आप कहीं चेंज करना चाहते हैं,
तो आपको जो एक अच्छा रेट अभी मिल रहा है, पिछले एक डेढ़ साल से काफ़ी रेट ऊँचे हुए हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ बेच सकते हो। और मेरे दोस्तों, इसके साथ में मैं एक और राय देना चाहता हूँ कि सेक्टर 28 और 29 ये पुराने सेक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं, यहाँ पर सीवरेज है, बिजली पानी है, सड़कें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, मार्केट है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ के रेट भी आज की डेट में वही तकरीबन 45-50 लाख रुपये 32 मीटर का है, और 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ रुपये के करीब है, तो आप यहाँ पर भी कोई प्लॉट ले सकते हैं और आप बनाना चाहें इन सेक्टरों में भी बना सकते हैं। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं, सभी सेक्टरों में, सेक्टर 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 34, 35, 36, 37, 38, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी सलाह आपको चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। इसके साथ में आपको DDA का लाइसेंसिंग कराना है और लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाना है, तो आप सोना गुप्ता प्रॉपर्टी से संपर्क कर सकते हैं। विनोद गुप्ता, थैंक यू।